हेलो दोस्तों, ये सब जान चुके हैं कि आने वाले 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड एक्टर जहीर इकबाल से शादी करने जा रही हैं। इस शादी को लेकर भी खूब चर्चे चल रहे हैं। खबर तो ये भी है कि इस शादी को इतना ज़्यादा प्राइवेट बनाने की कोशिश की गई थी कि खुद सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी शादी की भनक नहीं लगी। शत्रुघ्न सिन्हा को भी अपनी बेटी की शादी की खबर तब मिली जब मीडिया ने उन्हें बताया। तो इन तमाम खबरों के बीच सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ी एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय सिनेमा के मशहूर एक्टर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी थी, हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं रही जितनी उनके जमाने के दूसरे एक्टर्स को मिली थी। शत्रुघ्न सिन्हा का अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रही रीना रॉय से प्रेम प्रसंग था। वे दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे, पर कुछ सालों बाद 1983 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली थी। हालांकि 1990 में रीना रॉय का उनके पति मोहसिन खान से तलाक हो गया। अब इधर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि शत्रुघ्न सिन्हा के घर एक बेटी सोनाक्षी सिन्हा पैदा हुई। सोनाक्षी सिन्हा जब बड़ी हुई तो संयोगवश उनका चेहरा शत्रुघ्न सिन्हा की पूर्व गर्लफ्रेंड रही रीना रॉय से हूबहू मिलने लगा। लोग इस बात को बड़ी सीरियसली लेने लगे। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि सोनाक्षी सिन्हा अपनी माँ पूनम सिन्हा की बेटी नहीं बल्कि रीना रॉय की बेटी ज्यादा लगती है। हालांकि अगर तार्किक तौर पर देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 1987 में हुआ था और उस समय रीना रॉय मोहसिन खान के साथ शादीशुदा जीवन बिता रही थी। अब सच्चाई क्या है ये कौन जाने, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि रीना रॉय और सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलता है। हो सकता है कि ये ऊपर वाले का सबसे बड़ा संयोग हो। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।